गाइस हाय वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। गाइस आज मैं आया हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने। बहुत बड़ा कुछ कंपटीशन वगैरह कुछ नहीं है, एक चैलेंज करने वाला हूँ। टाइम सुलेख भाई को जानते होंगे, यहाँ पर एक फोटो लगा दे रहा हूँ। बहुत ओवर हाइट बंदा है या हाइट बंदा है, जो भी है अकेले ट्रेनिंग करता है, अकेले ग्राइंड करता है, तो एक रिस्पेक्ट है उसका। भाई प्री एंड पोस्ट मील भी होता है, वो मैं ट्राई करने वाला हूँ कल के लिए। आज आ गया हूँ सामान खरीदने के लिए, फटाफट चलते हैं सामान खरीदते हैं एंड फिर देखते हैं चैलेंज कम्प्लीट होता है कि नहीं होता। भाई पहला जो मील होता है उसका होता है दो चॉकलेट मिल्कशेक बड़ा वाला। मैं चॉकलेट मिल्कशेक ढूंढ लेता हूँ, तो एक एक करके जाऊंगा। चॉकलेट मिल्कशेक खरीदता हूँ दो बड़ा पैक, एक लीटर का उधर है। तो गाइज मिल चुका है, यही है चॉकलेट मिल्कशेक, ये मुझे लेना है दो। तो चलो पहला मिल हो गया कंप्लीट, और ये है आपका एक लीटर का, ठीक है। तो एक में 100 कैलोरीज है, तो समझ लो 1000 कैलोरी दिस, 1000 कैलोरी दिस। गाइस भाई जो वो पीता वो तो है नहीं, बट हमारे पास एक मिला है और इसमें चेक करवा रहे हैं भाई कि कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाए तो बढ़िया है। बाकी ये ले चुका हूँ मैं, सेकंड मील का तैयारी कर रहा हूँ। सो गाइज ये मैं ले रहा हूँ एंड ये 285 ग्राम का है, और मैं आपको जब ये दिखाता हूँ तो इसमें पर सर्विंग में है आपका कैलरी, तो एक 17 × 285 कर लो आपको 1100 कुछ के करीब में आ जाएगा। तो ठीक है 1100 इधर, 1000 इधर, 1000 इधर, 3500 तक आ जाएगा। लो ये हो गया एंड दूध लेना। सो भाइयों ये टाइम सुलेख का ब्रेकफास्ट रहता है, वो मैं आज ट्राई करने वाला हूँ। उसमें उसने ये दो मिल से 1100 से 1200 कैलोरी का एक है, ठीक है, वो पीता है। तो मैं पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, बाकी इसको कंप्लीट करने में भाई वो एक घंटा लेता है। देखते हैं तुम्हारा भाई कितना टाइम लेता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, लेट्स गो। बहुत ठीक है भाई, ऑल्सो मैं अभी 10 बज रहा है, 10 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ चैलेंज। तो भाई थोड़े से मैं पेट भर गया, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, पीते जा रहा हूँ। भाई वो बंदा डेली पीता है, एक खत्म हो गया, एक और करना है। एक ड्रॉप गिर गया, देख लो भाई नो चीटिंग, मैं कुछ करूंगा टास्क तो कोई चीटिंग नहीं। एक हो गया कंप्लीट, अब ये दूसरा खोलते हैं। 10-13 हो गया, सिम्बा यहीं पे बैठा हुआ था देख रहा था। उसका तबीयत ख़राब था गाइस, उसको स्टोन हो गया है, तो कल मैंने डॉक्टर को दिखाया था, अब पता नहीं, उसने 3 मंथ्स का टैबलेट दिया है, बाकी देखते हैं। बैठ जाओ, हम चैलेंज कर रहे हैं भाई, तुमको नहीं दे सकते अभी, बाकी तुमको देना भी नहीं चाहिए ये चीज़ अभी। इसके बाद भी एक सीरियल है, वो मैं भी सोच नहीं रहा हूँ। दो लीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता होगा अब मुझे लग रहा है। फाइनली सेकेंड भी कंप्लीट, फाइनली ये भी कंप्लीट हो गया है। चलो अब अभी बज रहे हैं 10:30, आधे घंटे में तुम्हारे भाई ने कंप्लीट कर दिया, और अभी मैं
दूसरा मील में आपसे मिलूंगा, तब तक मैं थोड़ा सा सो जाऊंगा, क्योंकि इतना खाने पीने के बाद तो भाई नींद तो ज़रूरी है। तो वेट करना, मिलते हैं आपसे। सो गाइस 12 बज रहा है, ठीक है, एंड मैं लेने वाला हूँ अपना प्री वर्कआउट मील। तो इसे मैं ले रहा हूँ, कल मैंने जो ये लेके आया है इसमें 1101 मतलब 1200 समझ लो। एंड उसके साथ मुझे जो सैम शुलेक सीरियल खाता वो मिला नहीं था, तो मैंने ये उठा लिया था। उसके साथ में 11 ओरियो डालने वाला हूँ उसके अंदर, तो 11 ओरियो हो जाता है 600 कैलरीज, टोटल हो जाएगा ये 1800 कैलरी। तो 1800 कैलरी दिन भर का डाइट होता है, सेकंड मील में खा रहा हूँ। और सुबह से मैं जो दो शेक पिया था वो हो गया था 2000। उसके साथ मैं ये दूध लिया हूँ, इसमें दूध में होगा भाई 200-250 कैलरीज, तो ये भी इसमें इंक्लूड है। तो वो ये मुझे लग रहा है एक बार में जाएगा भी नहीं पूरा, को आधा आधा करके खाना पड़ेगा, कि ओरियो की कैलरीज चाहिए मुझे। तो ओरियो को मैं स्मैश करके इसके अंदर डाल दे रहा हूँ, अब हम इंजॉय करते हैं। इतना खाने के बाद भाई ट्रेनिंग करना है। कंप्लीट डन, अब मिलते हैं जिम जाके ट्रेनिंग करते हैं। भाई सीन ये है कि अभी करना है स्क्वाट मुझे, मैं लेग कर्ल एक्सटेंशन के दो दो सेट 8-8 से 10 रेप कर लिया हूँ। अभी करना है स्क्वाट, हैक स्क्वाट, लेग कर्ल, हैमस्ट्रिंग कर्ल एंड उसके बाद आरडीएल। आरडीएल मैं सोच रहा हूँ नहीं करूँ, क्योंकि मैंने दो दिन पहले कन्वेंशनल डेडलिफ्ट की है, सो सेंस बनता नहीं आरडीएल करने का। उसके अल्टरनेटिव में बुल्गेरियन या वॉकिंग लंजेस, दोनों में से एक करूँगा, तब तक मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। बट आज मुझे देखना है कि मैं स्क्वाट कितना कर पाता हूँ। तो अभी मैं वॉर्म अप करता हूँ एंड आपको आपको दिखूँगा मैं टॉप सेट में, ठीक है। चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। SBD नहीं इसलिए ले लिया हूँ मैं, बिकॉज मैं कोशिश करूँगा पहन के करने का, क्योंकि मैंने जिस दिन डेडलिफ्ट की उस दिन दोबारा मेरे नीज़ में पेन स्टार्ट हो गया यहाँ पे, जो मेरे पावर लिफ्टिंग में होता था। बट मैं प्लान कर रहा हूँ आइस बात लेने का, तो अभी कर लेते हैं। बाकी भाई पेट देख लो, आप लोगों के लिए चैलेंज कर रहा हूँ और पेट निकाल रहा हूँ, बट ठीक है यार बल्किंग में हूँ तो निकाल सकता हूँ। लेट्स गो। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'm through what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm mad. सो गाइस मेरे जिम के पास नए नए पपीज़ आए हैं, तो भाई मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, इसलिए पार्ले जी लेके जा रहा हूँ। बट ये फर्स्ट टाइम है तो ये लोग डरेंगे, बट देखते हैं।
आयो आओ भाई, डर रहे भाई सब, आओ उधर ही भागा हुआ है, इधर भी खिला देते हैं, आयो लो इसकी मम्मी भी है, ज़्यादा लोग है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे, कोई नहीं ये लोग खा लेंगे गाइस। तो अभी चलते हैं अपना जो लास्ट मील है, लास्ट मील नहीं इसका, तो मैं घर में कुछ खाऊंगा, दैट विल बी राइस चिकन, बट ये चैलेंज का लास्ट मील है, लेग्स हो गया कंप्लीट, मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि आपको बोर फील होगा। तो अभी बर्गर लेना है, 2 बर्गर, 1 कोल्ड ड्रिंक, 1 फ्राइज़। तो फ्राइज़ मैं घर में आलू को बना के रखा हूँ, सो मैं जाके कुक करूँगा, बट बर्गर 2 बर्गर लेना है अभी। चलो पहले बर्गर लेते हैं, लेट्स गो। चलो भाई लेने चलते हैं बर्गर। सो गाइस सीन ये था कि लास्ट जब मैंने जिम खोला था, 1 साल हो गए जिम को भगवान की दुआ से, एंड तो लास्ट टाइम भी मेरे जिम के पास 6 बच्चे थे पपीज़, तो उसको मैं खिलाता पिलाता था, जिम के पास रखता था, बट लास्ट में सिर्फ 3 बचे थे। सो अभी ये लोग जो पपीज़ है ये 8 है, बट मुझे ही पता है कि भाई बाद में फ्यूचर में नहीं बचेंगे सारे लोग, तो बहुत मतलब अभी से फील होने लगता है कि भाई लाइफ ख़राब है उनका, बट कोई नहीं, हमारे पास जितना बनता है हम करते हैं। और चलो चलते हैं, अब बढ़िया मौसम है, और आज के बाद मैं अपना भी बॉडी का कंडीशन देखा भाई, पेट वगैरह थोड़ा निकल गया है, तो बल्किंग मुझे एक करना है, बट ऐसा बल्किंग नहीं करना है। तो मैं दिल्ली में था तो अच्छा से इंजॉय किया, घर में आया तो खा रहा था, और तभी सोचा मैं ये चैलेंज भी कर लूँ। और कल से आई विल बी बैक टू क्लीन ईटिंग, और मैं वो जब फेज़ में 1 वीक तक अपना डाइट सही कर लूँगा, तब आपको मैं फुल डे ऑफ ईटिंग उसका भी दिखा दूँगा। चलो अभी चलते हैं, बर्गर किंग चल रहे हैं, बर्गर किंग क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं बर्गर किंग से नहीं खाया हूँ, KFC से खाया था प्रेप पे टाइम पे, तो बर्गर किंग की बारी है। सो गाइस बर्गर ले रहे हैं, दैट इज़ डबल क्रिस्पी, उसमें 2 चिकन के पैटी रहेंगे, और वो 535 कैलरी है, तो फ्राइज़ एंड कोल्ड ड्रिंक के साथ वो 900 के करीब में आ जाएगा। मैम ऑर्डर ले लो, 2 चिकन डबल क्रिस्पी, 2 ओनली बर्गर, ये चिकन वाला देखो। सो ये लेते हैं, एंड कोल्ड ड्रिंक उठा लेंगे एक रास्ते से, और फिर फ्राइज़, एंड फिर कंप्लीट करते हैं ये टास्क। आ रहा है लेकिन और वर्कआउट करने के बाद खाने का मन कर रहा है, पहले तो भाई मन नहीं कर रहा था। हो गया भाई, ओनली बर्गर रहेगा, तो चीज़ रहेगा बर्गर में? हाँ डबल चीज़ कर दो, और कुछ नहीं, विंग्स, ग्रिल विंग्स, फ्राइड विंग्स, कुछ नहीं कुछ नहीं। 271 हाँ ठीक है, यू पे करेंगे? हाँ, बाकी भाई मैं ऐसे घर के बाहर नहीं निकलता हूँ, बट गर्मी बहुत था इसलिए निकल गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है, लोग उतना जिम वगैरह करते नहीं है। इसलिए मैं ऐसे आया हूँ, तो लोग मुझे देख भी रहे हैं जो बिलिंग विलिंग कर रहे हैं, बट ठीक है चलो, थैंक यू। चलो सो गाइस यहाँ पे वो वीडियो कंप्लीट, मैं अपने घर के छत पे वीडियो एंड कर रहा हूँ, एंड सारे चीज़ें हैं, ये है फ्राइज जो मैंने घर में बनाया, एंड ये रहा 2 बर्गर, 1 एंड 2 के साथ 1 कोल्ड ड्रिंक। ओहो पूरा मैं तैयारी कर लिया अपना फिजिक को ख़राब करने का ये चैलेंज में, नई नई चीज़ें ट्राई करनी ज़रूरी है। सो पहले पोस्ट वर्कआउट बर्गर, इसमें मैंने चीज़ भी डलवा दिया था, तो ये खाते हैं। मुझे इतना पता है कि कल पम्प बहुत बढ़िया आएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं खा के सो जाऊंगा, मैं भी चिकन राइस बनाऊंगा, वो भी खाऊंगा। ये तो पार्ट था एक प्री एंड पोस्ट, इसके बाद
अगर मैं फुल डे ऑफ ईटिंग करूंगा टाइम शू लग का, तो वो 6 डोनट खाता है विथ मिल्क। दूध बहुत पीता है बंदा, तो 6 डोनट। धनबाद में डोनट मिलेगा या नहीं पता नहीं, बट अगर आप बताओ करना चाहिए कि नहीं फुल डे। तो मोस्टली तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, एक डोनट बची है। हवा चल रही है पूरी। सो गाइस यहाँ तक की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी ये छोटी सी चैलेंज। बाकी नेक्स्ट क्या चैलेंज करना चाहिए सो गाइज यहाँ तक की वीडियो, हो आपको मज़ा आया हो देखने में। मुझे सुबह में थोड़ा टफ लग रहा था बट अब मज़ा आया था। करने के बाद खाने में अच्छा लगता है, लगता है कि आपने कुछ अर्न किया है। ये चैलेंज थोड़ा सा था, मुझे लगता है अनहेल्दी टाइप का। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा करने का, क्योंकि मेरा पेट बहुत ब्लोड हो गया, फूला फूला लग रहा था। चैलेंज था तो मैंने किया। बाकी नेक्स्ट कौन सा चैलेंज मुझे करना चाहिए कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाना। एंड बाद कोई चैलेंज अगर आपको लगता है कि मैं करूं और आपको देखने में मज़ा आएगा कमेंट में लिखना, तो मैं देखता हूं। अगर मेरे बजट में और मुझे लगा कि वर्थ इट रहेगा करना, ज़रूर करूंगा। बाकी मैं ये सब नहीं करता हूं, अभी मैं बल्किंग में हूं, इसलिए मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ कि कुछ करूँ। बाकी दिस इज द गेट, दिस इज इट। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाना। पीस, बाय बाय, सी यू।